वेलकम टू सिम्पी क्लासेस। सो इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस द किंगडम प्रोटिस्टा। मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुकी थी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी किंगडम फंचाई। और जो भी मैं पॉइंट बोल रही हूँ, प्लीज़ नोट डाउन दैट पॉइंट्स इन योर लेक्चर नोट। ओके, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज़ नोट डाउन, क्योंकि ऑल पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो किंगडम फंजाई फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हाउ दे आर, मतलब विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द किंगडम, मतलब फंजाई। ओके, तो हम लोग तो नॉर्मल देखते हैं फंगस, नॉर्मल वी आर सीइंग डेली लाइफ। अगर खाना कुछ देर रख दे बाहर में तो क्या होता है, उसमें फंगस आ जाते हैं। ओके, उस पर फंगस आ जाते हैं तो वो क्या है, एक वो भी एक वो क्या है, मतलब कि कमिंग अंडर फंजाई। तो मतलब फंजाई मतलब कि फंगस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ये जो फंजाई, ये डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और हम एक्चुअली हम लोग नॉर्मल लाइफ में ये फंगस को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी हम लोग ब्रेड को बाहर रख देते हैं तो कैसा हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है, ब्लैक फंगस। मतलब नो, यू हैव ऑलरेडी, मतलब हमेशा आप लोग वॉच करते हैं, मतलब कभी ब्रेड रख दिए, कभी खाना मतलब रख दिए बिना ठीक से हाइजीनिक में नहीं रखे और ऐसे ही रख दिए बाहर में, तो उसमें फंगस लग जाता है। तो ये सब कॉमन एग्ज़ाम्पल हैं। तो वहाँ पर वही एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है, ब्रेड मोल्ड, मतलब ये सब एग्ज़ाम्पल है। कॉमन मशरूम्स, ये सब क्या है, फंजाई। टोड स्टूल्स, वाइट स्पॉट्स, और जो वाइट स्पॉट्स आप देखे होंगे मस्टर्ड लीव्स में लग जाते हैं कभी कभी, यहाँ मस्टर्ड में ही लग जाता है वाइट स्पॉट्स, फंगस लग जाता है। सोचिए कि आप मस्टर्ड को बहुत दिन तक नहीं यूज़ किए तो उसमें देखेंगे आप वाइट स्पॉट्स, तो वो क्या है, वो फंगस है। ओके, और ये जो फंजाई ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट एक इसमें एक एक्सेप्शन है, ईस्ट है जो यूनिसेलुलर फंगस है। बाकी जितना भी फंजाई के अंदर आते हैं वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं, बट एक्सेप्ट ईस्ट, इट इज़ ए यूनिसेलुलर फंगस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू नोट करना कि ईस्ट क्या है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है। ओके, बाकी जो भी एक्सेप्ट ईस्ट, ऑल आर वाट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, समझ में आ गया। और ईस्ट क्या यूज़ करते हैं, वी नो डेट ईस्ट इज़ यूज टू मेक ब्रेड बीस। ओके, ये सब मतलब कि एग्जाम्पल है ईस्ट का। ओके, और कुछ और पॉइंट्स है इसमें। ओके, ये क्या है, नॉन क्लोरोफाइलस हाइफे, मतलब कि ये क्या होते हैं, नॉन क्लोरोफाइलस हाइफे हैं। और ये जो मतलब कि नेटवर्क ऑफ हाइफे कॉल्ड माइसीलियम। फॉर एग्जांपल, आई विल शो द फिगर कैसे दिखते हैं। मैंने रफ फिगर ड्रॉ किया है, जिसे अब मैं कोई आर्टिस्ट हूँ नहीं, इसलिए मैंने रफ फिगर ड्रॉ किया आपको जस्ट समझने के लिए। तो ये क्या, ये हाइफे है, ये माइसीलियम है। तो ये जो नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम एंड दिस इज व्हाट हाइफे। सो दिस, वो ये जो डायग्राम है कैसे दिखते हैं फंजाई। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर दिस पॉइंट्स आर, नेटवर्क ऑफ हाइफे कॉल्ड माइसीलियम। और जो सेल वॉल है वो किससे बने हैं, मेड अप ऑफ कैटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। सेल वॉल कैसे बने हैं, ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से बने हैं। ओके, सेल वॉल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर। पूछ सकता है सेल वॉल कैसे, मतलब हाउ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, और सेल वॉल कैसे बन रहा है, लाइक मे बी आस्क क्वेश्चन। तो एक मार्का भी पूछ सकता है, इफ़ यू नो द आंसर यू कैन राइट। तो सेल वॉल ऑफ कैटिन एंड पॉलीसेक्राइड से बने होते हैं। ओके, और कहाँ ग्रो करते हैं, इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कभी कभी हमारे फिंगर्स के बीच में कभी कभी फंगस लग जाता है, तो ये क्या, ये वार्म प्लेस, ये वार्म है इसलिए यहाँ पर फंगस लग जाता है। कभी कभी हमारे टोस के, जो टोस होते हैं उसके बीच में कभी कभी फंगस लग जाता है। दिस इज़ वाट, दिस इज़ ऑल आर वाट, वो सब वार्म प्लेसेस है इसलिए वहाँ पर फंगस लग जाते हैं। ओके, सो दिस फंगस ग्रो इन ए वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस।
हैं। और ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक एंड सिम्बियोटिक लाइकन। सिम्बियोटिक बोले तो लाइकन, लाइकन मीन्स आल्गे प्लस फंगस, मतलब कि एक दूसरे आल्गे एंड फंगस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आप तो सुने होंगे ना कि एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, उसी प्रकार आल्गे भी है, आल्गे प्लस फंगस, मतलब आल्गे डिपेंड करते हैं फंगस पर, फंगस डिपेंड करता है आल्गे पर। ओके, आल्गे अगर प्रोवाइड करे ओके तो आल्गे अगर प्रोवाइड करे फूड तो फंगस क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर। आल्गे शेल्टर अगर प्रोवाइड करे तो फंगस फूड प्रोवाइड करते हैं। ओके, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़े होंगे टेंथ में। सो लाइकन का एग्जाम्पल आल्गे प्लस फंगस। माइकोरिजा ऑल्सो वाट आल, मतलब कि फंगस प्लस रूट ऑफ प्लांट, वो एक, मतलब एक हाथ से लेना एक हाथ से देना मतलब होता है उसमें। ओके, प्रोसेस है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर प्यूसिनिया इज वाट, प्यूसिनिया क्या होता है उसको, इट इज़ ए डिसीज कोसिंग और इट इज़ ए रस्ट कोसिंग, डिसीज कोसिंग और यू कैन से रस्ट कोसिंग पेनिसिलियम। ओके, पेनिसिलियम हम इस, ये जो बैक्टीरिया का नाम है, जितना भी बैक्टीरिया इसमें आ रहा है यू हैव, यू विल स्टडी इन प्लस टू, तो बस आप इतना याद रखें बैक्टीरिया का सिर्फ नेम याद रखें, बाकी सब आप डिटेल में पढ़ेंगे आप प्लस टू में। ओके, पेनिसिलियम, सो इट इज़ ए वीट रस्ट, ये पेनिसिलियम, ये जो प्यूसिनिया कैसे कोस होते हैं विद बाय वीट रस्ट, वीट रस्ट के कारण ये प्यूसिनिया क्या कोस करते हैं, डिसीज, प्यूसिनिया इज एक्चुअली डिसीज कोस है और यू कैन से रस्ट कोस है। ओके, एंड सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ अंडीमन, सम फंजाई क्या है, एक आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है, ये एंटीबायोटिक्स है। ओके, तो फंजाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एग्जांपल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इज ए व्हाट, एंटीबायोटिक्स एग्जांपल है। ओके, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। एक्चुअली रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई कैसे होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई हैविंग द मेनली थ्री, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय थ्री मीन्स, मतलब बाय थ्री, फर्स्ट रिप्रोडक्शन कैसे लेते होता है फंजाई में, बाय वेजिटेटरी मीन्स, एसेक्सुअल मीन्स एंड सेक्सुअल मीन्स, ये थ्री वे से है जो रिप्रोडक्शन होता है फंगस में। पहले तो वेजिटेटिव वे से, ओके, तो वेजिटेटिव में क्या इन्वॉल्व होते हैं, फ्रैगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। ओके, एंड एसेक्सुअल में स्पोर्स कैसे फॉर्म, स्पोर्स आर मतलब एसेक्सुअल में ये जो हैं स्पोर्स ग्रो ऑन ए फ्रूटिंग बॉडीज, इट ग्रो ऑन ए फ्रूटिंग बॉडीज, तो जो ये जो स्पोर्स है वो हाउ इट डिवाइडेड, इट इज़ डिवाइडेड इन कोनेडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स, जू स्पोर्स। ओके, कोनेडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स एंड जू स्पोर्स, तो स्पोर्स आर कोनेडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स एंड जू स्पोर्स एंड इट ग्रो ऑन ए फ्रूटिंग बॉडीज। सेक्शुअल, सेक्शुअल बाय सेक्शुअल मीन्स से कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बाय ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर एंड बैसिडियोस्पोर्स, ये थ्री वे से वाट के साथ ओके सेक्शुअल में होता है रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन वे से, बाय वेजिटेटिव मीन्स, एसेक्सुअल मीन्स, बाय सेक्शुअल मीन्स। ओके, तो अब बात करते हैं सेक्शुअल साइकिल, देर आर थ्री स्टेप्स, सेक्शुअल साइकिल में थ्री स्टेप्स होता है। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो द सेक्शुअल साइकिल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई, तो थ्री स्टेप्स देर इन्वॉल्विंग थ्री स्टेप्स। ओके, फर्स्ट प्लास्मोगैमी, प्लास्मोगैमी मीन्स फ्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, प्लास्मोगैमी में फ्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, मतलब फ्यूशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। कैरियोगैमी में फ्यूशन ऑफ टू, और कैरियोगैमी क्या होता है, फ्यूशन ऑफ टू न्यूक्लई, और म्यूसिस में क्या होता है, फ्यूशन ऑफ म्यूसिस में प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड स्पोर्स, तो म्यूसिस इन जायकोड, म्यूसिस जो होता है जायकोड में टू प्रोड्यूस, म्यूसिस इन जायकोड टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। सो दिस आर द स्टेप्स कमिंग अंडर सेक्शुअल साइकिल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई।
ओके, ये जो फंजाई है ये कैसे होते हैं? इट इज ए कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स देर इज नो फ्री लिमिटेड, देर इज नो लिमिटेशन, कोई भी रुकावट नहीं है. वो कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी वो ग्रो हो सकते हैं. देर इज नो लिमिटेशन. ओके, तो कॉस्मोपॉलिटन मीन्स हु इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशन, मतलब कि जो फ्री हैं लिमिटेशन से, मतलब कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं. देर इज नो, वहाँ पर कोई, मतलब कि कोई भी उसको रोक नहीं सकता, कहीं पर भी वो ग्रो हो सकते हैं. कौन? फंजाई. ओके, ये जो फंजाई ऑर्गेनिज्म है ये कहीं पर भी ग्रो हो सकते हैं. देर इज नो लिमिटेशन और दे आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशन. ओके, एक्सेप्ट ईस्ट, ऑलमोस्ट ऑल फंजाई आर फिलामेंटस. दैट मीन्स मैंने बोला था ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है, और जो बाकी जितना भी फंजाई वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. दैट इज योर टेलिंग. एक्सेप्ट ईस्ट ऑलमोस्ट ऑल फंजाई आर फिलामेंटस. दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, रिमेंबर डैट. और जो बॉडी है, द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड. बॉडी हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक. ओके, लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक. ओके, द नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या होता है? नेटवर्क ऑफ हाइफे कॉल्ड मैसीलियम. वेन हाइफे इज फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लेटेड साइटोप्लाज्म इट इज कॉल्ड व्हाट? सीनोसाइटिक हाइफे. तो जब हाइफे फिल्ड होता है मल्टी न्यूक्लेटेड साइटोप्लाज्म से, उसको क्या कहा, व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड सीनोसाइटिक हाइफे. तो वेन हाइफे इज फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लेटेड साइटोप्लाज्म इट इज कॉल्ड सीनोसाइटिक हाइफे. गॉट इट? अब बात करते हैं सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको ये, मतलब कि मैंने शॉर्टकट में लिखा है जिसे आपको याद रहे, बट थोड़ा बहुत नीट नहीं है, कोई बात नहीं, बट आई विल एक्सप्लेन. आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या क्या ड्रॉ किया. ओके ओके, तो फिगर थोड़ा ड्रॉ करने में गड़बड़ी होगी, सर्कल नहीं हो पाया. सो ओके, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस साइकिल. ओके, सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई, बस याद रखने क्या है, सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई है ये. ओके, सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई. तो फर्स्ट स्टार्ट होता है इसका प्रोसेस कहाँ से? फर्स्ट स्टार्ट देखना एरो कहाँ से, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते जैकोट. ये जैकोट से जब स्पोर्स में जा हो कन्वर्ट होता है, तो कौन यहाँ पर कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस इज गोइंग हियर बिटवीन जैकोट टू स्पोर्स? क्या होता है प्रोसेस? ये मियोसिस हैप्लोइड स्पोर्स ऑफ फॉर्म. जब ये जैकोट टू स्पोर्स फॉर्म होता है, मियोसिस हैप्लोइड स्पोर्स ऑफ फॉर्म, तब ये क्या फॉर्म हो जाता है? स्पोर्स. जब ये स्पोर्स हाइफे होता है, इसके बीच में कुछ प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? जर्मिनेशन. तो जर्मिनेशन में क्या होता है? ए मल्टी सेलुलर माइसीलियम इज फॉर्म. वेरी इंपॉर्टेंट. जर्मिनेशन में क्या होता है? ए मल्टी सेलुलर माइसीलियम इज फॉर्म. मल्टी सेलुलर माइसीलियम फॉर्म होता है जब स्पोर्स टू हाइफे होता है, इसलिए यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? हाइफे. तो मल्टी सेलुलर माइसीलियम इज फॉर्म, मतलब कि ढेर सारा माइसीलियम फॉर्म होता है, मल्टी सेलुलर. ओके, मल्टी सेलुलर माइसीलियम इज फॉर्म्ड व्हेन स्पोर्स इज फॉर्म हाइफे. स्पोर्स से जब हाइफे में फॉर्म होता है तो मल्टी सेलुलर माइसीलियम फॉर्म है. ये सब आपको बीच में जो पॉइंट्स दिया है कि स्पोर्स और हाइफे, ये जो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना होगा तो आपको फुल मार्क मिलेगा. ओके, और जब और हाइफे से जब प्लास गैमी स्टेज में जाता है, तो क्या होता है? इट इसके बीच में कौन सा प्रोसेस होता है? जो हैप्लॉइड सेल है फॉर्म्स टू डिफरेंट माइसीलिया. ओके, सेंस टू फॉर्म ए हेट्रोकैरियोटिक सेल विथ टू और मोर न्यूक्लियस. जब हाइफे स्टेज से प्लास्मोगैमी स्टेज में जाते हैं, तो उसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? हैप्लॉइड सेल जो है वो क्या फॉर्म करते हैं? टू डिफरेंट माइसीलिया फॉर्म करते हैं एंड फ्यूज टू फॉर्म. क्या फ्यूज होते हैं? सॉरी आई रीड, ये फ्यूज है. ओके ओके, अगर आपको नहीं समझ में, तो समझने ये एफ है. ओके, फ्यूज टू फॉर्म ए हेट्रोकैरियोटिक सेल. क्या फ्यूज करते हैं? इट जो
हैप्लोइड सेलेफॉर्म्स टू डिफरेंट मैसीलिया, दो डिफरेंट मैसीलिया फॉर्म करते हैं और ये फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म व्हाट, क्या फॉर्म करने के लिए, हेट्रोकैरियोटिक सेल विद टू और मोर न्यूक्लियाई। हेट्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म करने के लिए ये फ्यूज होते हैं टू फॉर्म टू और मोर न्यूक्लियाई। सो इसके बीच में क्या ये प्रोसेस होता है, जब हैपो हाइफेगैमी से प्लास्मोगैमी स्टेज में जाते हैं, ओके मतलब कि एन प्लस एन हो जाते हैं, हेट्रोकैरियोटिक स्टेज इसको कहा जाता है, इसको क्या जाता है, हेट्रोकैरियोटिक स्टेज, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये प्रोसेस, जब प्लास्मोगैमी से कैरियोगैमी आते हैं तो एन प्लस एन हो जाता है, मतलब ये जो स्टेज है ये क्या कहा जाता है, हेट्रोकैरियोटिक स्टेज कहा जाता है। जब प्लास्मोगैमी से कैरियोगैमी स्टेज में आते हैं तो ये स्टेज को क्या कहा जाता है, हेट्रोकैरियोटिक स्टेज, ओके। और इसमें क्या होता है, जब प्लास्मोगैमी से कैरियोगैमी में जाते हैं द न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म, क्या होता है, जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट, ओके द न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जैको, तो न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म ए, मतलब दो जैकोड फॉर्म करें, टू एन दैट मीन डिप्लॉयड, टू एन डाई मीन्स टू, सो टू डिप्लॉयड जैकोड फॉर्म होते हैं। जब प्लास्मोगैमी से कैरियोगैमी आते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है, डिप्लॉयड जैकोड फॉर्म हो जाता है। सो द न्यूक्लियाई फ्यूज, न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जब प्लास्मोगैमी से कैरियोगैमी में आते हैं तो न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, किस लिए, कैसे, क्यों फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं जब फ्यूज होता है न्यूक्लियस, तो डिप्लॉयड जायगोट फॉर्म होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हाइफे से प्लास्मोगैमी आते हैं तो हैप्लॉयड सेल क्या फॉर्म करते हैं, टू डिफरेंट मैसिलियम फॉर्म करते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, हेट्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म करते हैं विद टू टू और मोर न्यूक्लियाई। और जब प्लास्मोगैमी से कैरियोगैमी में जब स्टेज में जाते हैं तो ये जो स्टेज को क्या कहा जाता है, हेट्रोकैरियोटिक स्टेज भी कहा जाता है। और इस जो प्रोसेस क्या होता है इसमें, जब प्लास्मोगैमी स्टेज से कैरियोगैमी स्टेज में आते हैं द न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट, ओके वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वैसे ही मतलब रिपीट होता है प्रोसेस साइकिल, इन दिस वे द साइकिल इज गोइंग ऑन, ओके जायगोट से स्पोर्स फॉर्म होते हैं, बीच में जो प्रोसेस होता है वो मियोसिस होता है, मियोसिस हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म होता है, फिर स्पोर्स से हाइफे जाते हैं तो मल्टीसेलुलर मैसिलियम फॉर्म होता है, फिर हाइफे से प्लास्मोगैमी जाते तो हैप्लॉयड सेल फॉर्म, टू डिफरेंट मैसिलिया विच फ्यूज टू फॉर्म हेट्रोकैरियोटिक सेल टू फॉर्म विद टू और मोर न्यूक्लियाई, फिर जब प्लास्मोगैमी से कैरियोगैमी दैट स्टेज इज कॉल्ड हेट्रोकैरियोटिक स्टेज, एंड क्या होता है, द न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट, इन दिस वे द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ओके समझ आ गया, वो साइकिल सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई था, ओके अब बात करते हैं कुछ फीचर्स किंगडम फंजाई के बारे में, मतलब फीचर्स नहीं, कुछ क्लासेस, जो किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी सच एज फ्रूटिंग बॉडीज, मैसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ओके। तो किंगडम फंजाई क्या होता है, इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस में डिवाइड है, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी सच एज फ्रूटिंग बॉडीज, मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पर कुछ जो किंगडम फंजाई वो क्या डिवाइड है इनटू वेरियस क्लासेस बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी, ये क्वेश्चंस पूछता है, ओके उसके बारे में अभी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट द किंगडम फंजाई। So kingdom fungi is divided into various classes based on the morphology such as floating bodies, mycelia and mode of spore formation, okay। So fruiting bodies maine bataya tha, fruiting bodies are what, spores are produced in a different structure, that is what fruiting bodies। So fruiting bodies are matlab ye bahut important areas hai, isse questions aate hi aate hain, okay। तो फ्रूटिंग बॉडीज आर वाट, फ्रूटिंग बॉडीज मैंने बताया स्पोर्स क्या फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस इन डिफरेंट स्ट्रक्चर, फ्रूटिंग बॉडीज आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड, ओके। अब जो फ्रूटिंग बॉडीज के
अंदर क्या, व्हाट आर द कमिंग, फाइकोमायोसाइट्स, अस्कोमायोसाइट्स, बैसिडियोमायोसाइट्स एंड ड्यूट्रोमायोसाइट्स. सो व्हाट आर द फाइकोमायोसाइट्स, अस्कोमायोसाइट्स एंड बैसिडियोमायोसाइट्स एंड ड्यूट्रोमायोसाइट्स. सो दिस आर व्हाट फ्रूटिंग बॉडीज, ओके, ग्रुप्स है, ये सब ग्रुप्स हैं. फ्रूटिंग बॉडीज आर द, ये क्या मेंबर्स हैं, और यू कैन से मेंबर. सो फ्रूटिंग बॉडीज अगर पूछे व्हाट विच आर द फ्रूटिंग बॉडीज, सो यू कैन राइट फाइको. तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे इसके बाद, ओके. फ्रूटिंग बॉडीज जो फाइकोमायसे, अस्कोमायसेट्स, बैसिडियोमायसे, ड्यूट्रोमायसे, ये सब के बारे में डिटेल अभी पढ़ेंगे, ओके. हाउ दे फीचर्स इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके. तो फाइकोमायसे, फाइकोमायसाइट्स से स्टार्ट करेंगे, ओके. दिस आर द व्हाट फ्रूटिंग बॉडीज. सो फाइकोमायसाइट्स, फाइकोमायसाइट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइकोसाइट्स, अस्कोमायसाइट्स, बैसिडियोमायसाइट्स, ड्यूट्रोमायसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में किंगडम फंजाई इंट्रोडक्शन तक ही खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट फाइकोमायसाइट्स एंड ऑल अदर्स विच आर कमिंग, विच आर द फ्रूटिंग बॉडीज, ओके. तो आज का वीडियो बस यहाँ तक ही, इस टॉपिक पर ख़त्म होता है, ओके. किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन हम दिए, एंड वी डिस्कस मेनी पॉइंट्स अबाउट द किंगडम फंजाई, ओके. तो गाइस, इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू आर रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, एंड ऑलवेज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज. इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड यू, इफ यू आर गेटिंग सम पॉइंट्स फ्रॉम वाइल सींग माई वीडियो, प्लीज़ ऑलवेज कीप ऑन वॉचिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. प्लीज़ डोंट वॉच फ्रॉम बिटवीन, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड वॉट आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके. तो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो.